नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। यमुनानगर प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला के प्रताप नगर में 3,60,00,000 रुपए से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन और 16,06,00,000 रुपए की लागत से तैयार हुए राजकीय महाविद्यालय अहड़वाला बिलासपुर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला स्तर के कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राम निवास गर्ग उपस्थित रहे। प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को आगाह किया कि कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अतः सभी सावधानी बरतें, सभी मास्क को नाक और मुंह पर सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें, समय समय पर हाथ अच्छी तरह साफ और सैनिटाइज करें। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। जो आज सौगात मिली है यमुनानगर, उसके बारे में क्या कहना? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1400 करोड़ से भी ज़्यादा के जो काम हरियाणा में हुए हैं उनको उद्घाटन किया है। इसे हमारे भी दो जो बड़े काम हैं, यहाँ एक बिलासपुर में कॉलेज हमारा था जो पढ़ के तैयार हो चुका है, और इसी प्रकार से एक हॉस्पिटल प्रताप नगर में लगभग 3 करोड़ की लागत से बना है, वो भी पढ़ के तैयार हो चुका है। उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस प्रकार से एजुकेशन के मामले में जो काम हुए आपके सामने है कि पूरे जिला में एक ही कॉलेज था सरकारी, और वो भी कुछ पहले ही मतलब हमारी सरकार से पहले बना था वो, लेकिन उसको भी उसकी बिल्डिंग को भी दोबारा डबल करने का काम, जो 12 करोड़ रुपये खर्च करके उसको भी डबल से भी ज़्यादा करने का काम किया, और उसके साथ ही बिलासपुर का कॉलेज है, मुस्ताबाद का में कॉलेज है, अभी प्रताप नगर का कॉलेज मंजूर किया है, ऐसे ही हरदौर का कॉलेज है। तो इतने कॉलेज सरकार ने, यानी कि जहाँ पहले टाइम में एक था केवल, तो वहाँ उससे कई गुना ज़्यादा कॉलेज खोलने का काम किया। इसी प्रकार से हॉस्पिटल है हमारे यहाँ छतरौली में केवल 6 बेड का था, अब 30 का है, प्रताप नगर में 6 बेड का था 30 का है, और उसके साथ ही खदरी में एक हॉस्पिटल खोलने का और कोर्ट में हॉस्पिटल खोलने का इस प्रकार से काम किया। यानी कि अगर इस सारी चीज़ को देखा जाए तो पिछले टाइम के जो पूरे कार्यकाल का टाइम है और उसके मुकाबले में जो 6 साल का टाइम है उससे काफ़ी दुगने से भी कई गुना ज़्यादा काम सरकार ने किया। सर, आज वानिकी दिवस, आप वन मंत्री हैं, आज वानिकी दिवस है, मतलब इसका पेड़ों का जी, आज वन मंत्री क्या करेंगे? पेड़ों के बारे में सभी लोगों को बहुत ही जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से पर्यावरण आज दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, पेड़ों के प्रति रुझान लोगों का बढ़ना चाहिए, और हमारा पूरा प्रयास है, सरकार की तरफ से प्रयास है। हमने पिछली बार भी 1100 गांव लिए थे और इनकी बार हम 2000 के करीब गांव लेने वाले हैं, जिनमें हम जहां भी जगह होगी वहीं पर पेड़ लगाने का काम करेंगे। लेकिन इस काम को अगर पूरा समाज इसमें सहयोग करेगा, हम सब मिल के करेंगे, तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन केवल और केवल सरकार के उससे नहीं, हर व्यक्ति इस बात की चिंता करे, पेड़ लगाना उसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी सुरक्षा करना और उसको बड़ा करना। सर, जिस प्रकार से गांव में और इधर मंडल में कॉलेज खोले जा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि शहर में भी एक कॉलेज होना चाहिए सरकारी? हाँ, अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हम सरकारी कॉलेज खोलेंगे, तो अभी उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो निश्चित रूप से किया जाए। इसमें सर, यमुनानगर फरीदाबाद जींद जो है ये पोजिशन की दृष्टि से काफ़ी पुअर आए हैं आज जो डाटा है। देखिए, जिस टाइम भी इसकी जांच होती है तो उस टाइम का देखा जाता है कितना है, काफ़ी शहर हैं जो उसमें आते भी रहते हैं फिर दोबारा ठीक होता रहता है, तो वो घटता भी रहता है, पॉल्यूशन घटता भी रहता है। हमारा पूरा प्रयास है इस मामले में कि पॉल्यूशन घटना चाहिए। सर, इसमें दामला के स्कूल में 10 जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए, कोरोना ने एक बार फिर पैर पसार दिए सर? हाँ, कोरोना पूरे देश में ही काफ़ी पैर पसार लिए उसने, काफ़ी फैला हुआ है, हमारा ध्यान है उसकी, और जिस प्रकार की जरूरत होगी और जो भी विशेषज्ञ जिस प्रकार की राय देंगे उसका पालन करके उसमें निर्णय उस हिसाब से लेंगे। धन्यवाद।